वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रये यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्वचेष्टान्वितः सोयं वो विदधातु वांछितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतं अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्बत्वाम् अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए इस वेदांत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत आयोजित गीता ज्ञान यज्ञ के इस चौथे दिन के कार्यक्रम में आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम लोग यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और गत तीन दिनों में हमने 15 श्लोक जो है आता तुम्हें माझी परीक्षा घे रही 15 श्लोक हमने देखे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही दिन आपको बताया कि इस अध्याय में कुल मिलाकर 42 श्लोक हैं, 42 श्लोक और उनमें से जो पहले 15 श्लोक हैं उनमें भगवान ने अपने अवतार का महात्म्य बताया है। और अवतार के महात्म्य में भगवान ने विशेषता से किस बात पर बल दिया है कि जो अनंत काल से चली आ रही हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा है उस परंपरा में जो पुराने जितने भी राजा लोग हुए हैं उन्होंने इस कर्मयोग के सिद्धांत को भलीभांति समझा और अपने कर्तव्य कर्मों का उत्तम प्रकार से निर्वहन किया। वो तुम्हारी तरह भागे नहीं, अपने कर्तव्य को छोड़कर घबराकर तुम्हारी तरह से युद्ध भूमि को छोड़कर भागने का काम उन्होंने नहीं किया। उनके सामने जो भी समस्याएं आई उनका उन्होंने ज्ञानपूर्वक उन्होंने कर्म किए और इस प्रकार से वो सब लोग जो हैं मुक्त हुए और मद्भाव आगतः मेरे स्वरूप को प्राप्त। इसलिए तुमको भी कर्म करना चाहिए और वो कर्म किस तरह से करना चाहिए, ज्ञान से करना चाहिए। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग का जो मुख्य विषय है वो 16वें श्लोक से प्रारंभ होता है और 24वें श्लोक तक ये विषय आया है। इसमें ज्ञान कर्म संन्यास योग और ये जो 16 से लेके 24 तक 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 9 श्लोक जो हैं ये इस अध्याय की आत्मा है। इस अध्याय का मराठी में जरा अपन गाभा मन, इस अध्याय की आत्मा जो है ये 9 श्लोक है। इन 9 श्लोकों के लिए ये अध्याय प्रवृत्त हुआ है और इसीलिए इन 9 श्लोकों के कारण ही भगवद गीता को उपनिषद कहा गया। देखिए वेद में वेद के 4 भाग हैं,
संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। यद्यपि भगवद गीता वेद नहीं है तो उसको उपनिषद कैसे कहेंगे? उपनिषद इसलिए कहा गया है क्योंकि वेद का जो अंतिम भाग है जिसको वेदांत कहते हैं, वो ज्ञान का जो रहस्य है, आत्मज्ञान का जो रहस्य है, वो भगवद गीता में प्रकर्ष से प्रकट हुआ है। इसलिए भगवद गीता को भी उपनिषद की संज्ञा प्राप्त है। वेद तुल्य है, भगवद गीता उपनिषद है। किम बहुना, उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक गुरु थे हमारे जैसे और एक शिष्य था, उसको गुरु ने भगवद गीता पढ़ाई। पढ़ाने के बाद उससे पूछा शिष्य से, बोला समझ में आ गया सब कुछ? बोला हाँ सब कुछ समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। बोला केवल एक चीज समझ में नहीं आई। सब समझ में आ गया, एक चीज समझ में नहीं। बोले क्या? वो जो आपने कहा दो गधा, वो दो गधा कौन है? दोग्धा गोपाल नंदन, दो गधा कौन है? तो गुरु ने कहा एक मैं एक तू। तुझको सिखाने वाला मैं गधा और मुझसे सीखने वाला तू गधा, दोग्धा गोपाल नंदन। तो कहने का तात्पर्य है कि उपनिषदों का सार है भगवद गीता, और उपनिषदों में मूलतः ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया गया है, और वो ज्ञान जो है इस अध्याय के 16वें श्लोक से लेके 24वें श्लोक तक उसका वर्णन भगवान ने किया है। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अब जो है कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में अत्यंत बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कवयोप्यत्र मोहिताः, अत्यंत बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उनको कर्म कौन सा है और अकर्म कौन सा है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अतः वह कर्म का तत्व क्या है यह मैं भली भांति तुमको बताऊंगा। कर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और अकर्म क्या है यह भी बताऊं, जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। देखिए अशुभ यानी क्या, अशुभ शब्द का अर्थ है दुख। हम सब लोग दुख में लिप्त है, हमारा संसार जो है वो दुखमय है। ऐसा कोई व्यक्ति यहां है क्या जिसको कोई दुख नहीं? महाराज माला कशा से दुख नहीं है? कोई कोई किसी को पत्नी के कारण दुख है, पत्नी को पति के कारण दुख है, बेटे को माँ के कारण दुख है, माँ को बेटे के कारण दुख है, सास को बहू के कारण दुख है, हाँ पड़ोसियों को आपस में एक दूसरे से दुख है, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से दुख है, पाकिस्तान को चाइना से दुख है, चाइना को अमेरिका से दुख है, अमेरिका को रशिया से दुख है क्या नहीं? तो बीजेपी को कांग्रेस से दुख है, कांग्रेस को बीजेपी से दुख है ना? तो इस तरह से प्रत्येक जन दुख में, दुख में। इस दुख में क्यों है? तो दुख जो है वो कर्म का फल है। ये बात नोट करके रखे, दुख हमेशा कर्म का फल है और सुख भी कर्म का फल। हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के शुभाशुभ फल हमको भोगने ही पड़ते हैं।
कम अधिक मात्रा में उन शुभाशुभ कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम कर्म को छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ नहीं सकते, कर्म को छोड़ नहीं सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? उस कर्म को एक ऐसे तरीके से करना पड़ेगा कि उस कर्म का जो हिसाब है वो हमारे खाते में ना। आप लोगों में से गवर्नमेंट सर्वेंट कौन कौन है, रह चुके हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गवर्नमेंट सर्वेंट लोग जो हैं, आप लोग तो खैर इधर उधर छोटे मोटे पोस्ट पे कहीं होंगे, जो बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर होते हैं वो अनेक मार्गों से अनेक तरीके से पैसा कमाते हैं, बहुत सारा नंबर वन नंबर टू करके पैसा कमाते हैं। और पैसा कमाने के बाद उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हैदराबाद में एक प्लॉट ले लिया, गुलबर्गा में एक मकान ले लिया, बंबई में एक फ्लैट ले लिया, पुणे में एक फ्लैट ले लिया। ये सब अपने नाम से लेते हैं क्या? अपने नाम से लिए जाए लेंगे तो दूसरे दिन ईडी वाले घर पे आएंगे क्या? नहीं उठो ना लो पूछेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे के नाम से ले लेते हैं, बायकोचा भाऊ हा? खुदा की खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, उस आले के नाम पे ले लेते हैं। कुछ लोग अपने ड्राइवर के नाम पे ले लेते हैं, कुछ लोग अपने नौकर के नाम पे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म है उस कर्म का फल जो है वो मुझको न भोगना पड़े, है क्या नहीं? एक बाईपास मेथड है, बाईपास मेथड कि आप अपने नाम से कर्म न करें। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, यत करोषि यदश्नाषि यज्जुहोषि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो भी करते हो वो मुझे अर्पण करो, कृष्णार्पणमस्तु। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कर्म से कर्ता का जो संबंध है, कर्ता का कर्म से जो संबंध है वो संबंध विच्छेद हो जाता है। और कर्ता का कर्म से संबंध विच्छेद होने के बाद उस कर्म का फल जो है वो उस कर्ता के खाते में नहीं जुड़ता। ये सिंपल बात है, सीधी बात है। इसलिए भगवान कहते हैं, शास्त्र में भी कहा गया, कर्मणा बद्धते जंतुर विद्यया च विमुच्यते। जंतु जो है, प्राणी जो है, वो बंधता कैसे है? कर्म से बनता है, कर्म के कारण। कर्म के कारण पुण्य पाप है, पुण्य पाप के कारण शरीर है, और फिर शरीर के कारण कर्म है। ये चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। इसीलिए प्रभु महाराज ने भजन में कल कहा, माणिक मणि प्रभु सोड़वी ये थुनी, इस कर्म के चक्र से मुझे छुड़ाओ। तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में कवयः यानी विद्वान लोग, पंडित लोग मोहितः। क्यों क्यों मोहित है? क्योंकि कर्म जो है, एक ही कर्म एक व्यक्ति को सुख देता है और वही कर्म दूसरे व्यक्ति को दुख देता है। एक ही कर्म है जो एक व्यक्ति को सुख देता है, दूसरे व्यक्ति को दुख देता है। उदाहरण क्या? उदाहरण क्रिकेट का खेल, क्रिकेट मैच। जो टीम जीती उन्होंने कर्म क्या किया? क्रिकेट खेला। उन 22 लोगों ने मिलके क्रिकेट का खेल खेला, किंतु
उसमें से 11 लोगों को उस कर्म से सुख प्राप्त हुआ और 11 लोगों को उसी कर्म से दुख प्राप्त हुआ, तो फिर कर्म का स्वरूप क्या है? वो सुख देने वाला है या दुख देने वाला है? कर्म जो है वो सुख देने वाला है या दुख देने वाला है? तो शास्त्र कहता है कि कर्म स्वयं न सुख देता है न दुख देता है। कर्म स्वयं न सुख देता है न दुख देता है। कर्म के फल को बदला जा सकता है क्या? कर्म के फल को हम बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते, किंतु कर्म को बदल सकते हैं। कर्म के फल को हम नहीं बदल सकते। एक मैच हारने के बाद दूसरे मैच में मेहनत करके, कर्म के अंदर कौशल पैदा करके, कर्म के अंदर परिश्रम करके हम दूसरे मैच में विजय प्राप्त कर सकते हैं, वहां कर्म को बदल सकते हैं। किंतु पहला वाला जो मैच हम हारे उसके फल को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। यह ऐसा है कि जैसे मच्छर होते ना, मच्छर वो मच्छर हमको काटते रहते, मच्छर हमको काटते। अब उस मच्छर से बचने का उपाय क्या क्या कर सकते हैं? मच्छरदानी में भी घुसते हैं, आजकल वो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। किसने कहा ओडोमस? ओडोमस कौन बना? छान अनुभवी है ओडोमस। ओडोमस जो है उसको उसका लेप शरीर के ऊपर करने के बाद जो है फिर हजारों मच्छर भी आकर अगर आपके हाथ के ऊपर मुंह के ऊपर बैठे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो ओडोमस कौन सा है? तो ज्ञान का ओडोमस, ज्ञान का ओडोमस। ये कैसा है देखिए, बड़ा विचित्र है कर्म का मामला। ये संसार जो है एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल जैसा है। स्विमिंग पूल माने ना तैरने का तालाब। संसार जो है वो बहुत बड़े स्विमिंग पूल जैसा है। अज्ञानी के लिए वो स्विमिंग पूल जो है मृत्यु का कारण बन जाता है। अज्ञानी के लिए वही स्विमिंग पूल मृत्यु का कारण बनता है और ज्ञानी के लिए वही स्विमिंग पूल जो है क्रीड़ा का स्थान बनता है। उसको बड़ा मजा आता है, फ्री स्टाइल कर रहा है, कभी ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहा है, कभी बैक स्ट्रोक कर रहा है, कभी अंडर वाटर कर रहा है, कभी डाइव कर रहा है, कभी कूद रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। उसको उस स्विमिंग पूल का भय नहीं लगता। किसको? ज्ञानी। ज्ञानी को भय नहीं लगता। और वो भय न लगने का मुख्य जो है कवच हमारे पास क्या है? तो ज्ञान है, ज्ञान है। अब ज्ञान किस बात का? नॉलेज, नॉलेज ऑफ व्हाट? ज्ञान किस बात का? ज्ञान इस बात का कर्म कौन सा है, अकर्म कौन सा है, इस विषय का। देखिए बड़ा विचित्र है। एक आदमी, उसने एक आम का पेड़ देखा। क्या देखा? आम का पेड़ देखा। किसने देखा? उस आदमी की आंखों ने देखा, आंखों ने आम का पेड़ देखा। पैर चलकर उस आम के वृक्ष के पास पहुंचे, हाथों ने पत्थर उठाकर फेंका। देखिए, आंखों ने आम का पेड़ देखा, पैर चलकर उस आम के वृक्ष के पास पहुंचे, हाथों ने पत्थर उठाकर फेंका, आम मिला, मुंह ने उस आम को खाया, मुख ने उस आम को खाया, जिह्वा ने
उस आम के रस का आस्वादन किया, जिह्वा ने आम के रस का आस्वादन किया और उस आम के रस को उदर ने अपने अंदर स्थापित किया पेट में, ठीक है। और उतने में वो आम के पेड़ का जो मालिक था वो आया और उसने इसकी पीठ में डंडा मारा, कोणाची चूक, हाँ कोणाची चूक, आंखों ने आम को देखा, पैर चलकर वहां गए, हाथ ने पत्थर उठाकर फेंका और मुंह ने आम खाया, जिह्वा ने रस का ग्रहण किया और उदर ने उस रस को स्थापित किया और दंड किसको मिला, तो पीठ को मिला। ऐसा है कर्म का चक्र, कर्म का चक्र ऐसा है। और हम जो हैं वो हमारे जितने कर्म होते हैं वो सभी अज्ञानवश करते चले जाते हैं, अज्ञानवश करते चले जाते हैं। और ऐसा है उसके बारे में हमको चिंता भी नहीं होती कि हम ये अज्ञानवश कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। अज्ञान किस बात का है? तो सबसे पहला भ्रम ये है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं। कर्म तो होता है, कर्म तो होगा, किंतु उसमें ममत्व की जो भावना है, मैंने ये कर्म किया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जैसे ही ये मैंने किया ऐसा भाव आ गया आपके पास, वैसे ही उस कर्म का फल आके आपके खाते में जमा। मैंने किया ये भाव आ गया। ये जो है सरल नहीं है, बड़ा कठिन है समझने के लिए विषय। इसलिए अत्र कवयः अपि मोहिता, विद्वान लोग भी जो है इस विषय में मोहित हो जाते हैं। किस विषय में? किम कर्म किम अकर्म इति, कर्म कौन सा है अकर्म कौन सा, अकर्म की बात आगे आने वाली। अकर्म यानी क्या? कर्म करते हुए भी उस कर्म के फल से अलिप्त रहना, ये अकर्म है। और कर्म कौन सा? कर्म वो जिसको करके मैं उसके फल का हकदार बन जाता। इति अत्र कवयः अपि मोहिताः, विद्वान लोगों को भी ये रहस्य समझ में नहीं आता। और तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, उस कर्म का मैं तुमको भली भांति उपदेश करूंगा। प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण वक्ष्यामि, बहुत अच्छी तरह से मैं तुमको समझाऊंगा। यद् ज्ञात्वा, जिसको जान लेने से मोक्ष से अशुभात, तुम जो है दुख से मुक्त हो जाओ। देखिए यहां पर एक उदाहरण समझने की बात है। आप लोगों ने थर्मामीटर देखा, थर्मामीटर, थर्मामीटर वो क्या करता है? जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसके अंदर का पारा चढ़ने लगता है, और जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर का जो मर्क्यूरी है, पारा है, वो नीचे आता है। इसको कहते हैं थर्मामीटर। और एक होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट मालूम है आपको? थर्मोस्टेट क्या होता है? एसी में, फ्रिज में वगैरह होता है, वो बाहर का तापमान कितना भी आपने सेट कर दिया, क्या 18 डिग्री के ऊपर वो थर्मोस्टेट सेट किया। अब बाहर चाहे 45 भी हो जाए तब भी वो 18 पर ही रहता है। कर्म यानी क्या? कर्म यानी थर्मामीटर जैसा, जो बाहरी परिस्थिति से इफेक्ट होके, संसार की परिस्थितियों से, परिवार की परिस्थितियों से, माता से, पिता से, पत्नी से, पुत्र से, भाई से, बहन से, इन सब से इफेक्ट होके हमारा पारा ऊपर नीचे होता रहता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसी को अशुभ कहते हैं।
वो है थर्मामीटर। अकर्म क्या है? अकर्म है थर्मोस्टेट, हमने सेट कर दिया, वो चाहे बाहर कुछ भी हो हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कर्म मैं करता ही नहीं हूं, वो आगे आने वाला विषय। वो कर्म जो है मैं करता हूं ऐसा अभिमान आ गया तो फिर वहां पर उसका फल भोगना पड़ेगा। कर्म के साथ कर्तापन का जो एक अभिमान है, कर्म के साथ कर्तापन का जो अभिमान है उसका डिटैचमेंट अगर हमने कर दिया तो फिर उस कर्म का अशुभ फल जो है वो हमको भोगने की जरूरत नहीं है। कर्मणो यपि बोद्धव्यम्, बोद्धव्यम् च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम्। गहना कर्मणो गतिः। भगवान कहते हैं कि कर्म का तत्व भी जानना चाहिए, कर्म का तत्व भी जानना चाहिए। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम्, कर्म का तत्व जानना चाहिए। बोद्धव्यम् च विकर्मणः, और विकर्म क्या है इसको भी जानना चाहिए। अकर्मणश्च बोद्धव्यम्, अकर्म क्या है इसको भी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति जो है वो अत्यंत गहन है। ये कर्म है अकर्म है या विकर्म है इसको समझना अत्यंत कठिन है। देखिए सबसे पहले कर्म यानी क्या? कर्ता द्वारा किया जाने वाला कर्म वो कर्म है। विकर्म यानी क्या? विपरीत कर्म, जो कर्म नहीं करना चाहिए, जो कर्म कदापि नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्म को विकर्म कहते हैं, जो विपरीत कर्म है। जैसे क्या? उदाहरण क्या क्या? कोई भी उदाहरण लीजिए, कौन सा कर्म विकर्म क्या है? दारू पीना, सुरापान, ये क्या है? विकर्म है। हत्या करना विकर्म है, चोरी करना विकर्म है, रिश्वत लेना विकर्म है, झूठ बोलना विकर्म है। तो इस तरह से जो है, जो कर्म शास्त्र द्वारा निषिद्ध है उन कर्मों को विकर्म कहते हैं। और अकर्म यानी क्या? अकर्म यानी ऐसा कर्म जहां पर कर्ता उस कर्म के साथ उसका जो अपना संबंध है, उस कर्म तो होता है किंतु उस कर्म के साथ कर्ता का जो संबंध है, उस संबंध का जहां विच्छेद हो जाता है उसको अकर्म कहते। कर्म हुआ किंतु हुआ नहीं, करने वाला नहीं है। जैसे किसी सरकारी अफसर ने पूना में 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट ले लिया। पूना में क्या किया? 1.5 करोड़ का प्लॉट ले लिया। किसने लिया? इसके बैंक खाते में जो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, है किसका प्लॉट? उसी का है, प्लॉट उसी का है, किंतु उसके पासबुक के अंदर, उसके किताबों में, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं भी उसकी कोई एंट्री नहीं है। ये नेगेटिव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपको पॉजिटिव एग्जांपल नहीं। नेगेटिव एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? नहीं तो लोग बोलेंगे महाराज ये सगड़े शास्त्रीय गोष्ठी बोलता था। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि यू आर फेमिलियर विद दीज थिंग्स, इन चीजों का आपको सम्यक ज्ञान है, इसलिए बता रहा हूं, मुझको नहीं है आपको है, तो आपकी समझ में आए इसलिए बता रहा हूं। ये नेगेटिव एग्जांपल है, इसको हवाला ट्रांजैक्शन हवाला नेगेटिव एग्जांपल है। तो भगवान कहते हैं केवल कर्म ही नहीं, दो और प्रकार बताऊंगा मैं, कौन से? विकर्म और अकर्म। और कर्मणः गति ही गहना, कर्म की गति जो है वो गहन, अत्यंत गहन, समझना कठिन।
एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए आप। एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, सड़क पर जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति दौड़ता हुआ भागता हुआ आता है और उस व्यक्ति को धक्का दे देता है, उस व्यक्ति को धक्का दे देता है। अब ये कर्म हुआ या विकर्म हुआ या अकर्म हुआ? विकर्म हुआ, है ना। किसी आदमी को धक्का देना ये अच्छी बात है, विकर्म हुआ। जब उससे पूछा गया कि तूने धक्का क्यों दिया, तो उसने कहा उधर से एक कार बहुत स्पीड में आ रही थी, मैं अगर इसको धक्का ना देता तो ये कार के नीचे आके मरता। तो अब ये बुरा कर्म हुआ या अच्छा कर्म हुआ? आप उसको किस एंगल से देखते हैं, आप उसको किस एंगल से देखते हैं, उससे जो है उस कर्म की कर्म अच्छा है, शुभ है, अशुभ है, इसका अंदाजा लगता है। वरना केवल कर्म को देखकर, मान लीजिए सीसीटीवी फुटेज देखा, सीसीटीवी फुटेज, उसमें क्या दिखा, एक आदमी ने एक आदमी को धक्का दिया, वो गिर गया, उसके दांत गिर गए, लहू लुहान हो गया, या मुंह तोड़ फूट लेते थे बेचारे, अरे अरे तोड़ फूट लो, तोड़ फूट लो। मगर उसने धक्का क्यों दिया? एक मां अपने बच्चे को दो चार थप्पड़ मारती है, दो चार थप्पड़ मारती है, अच्छा कर्म है बुरा कर्म है? आप बोल रहे हैं आप पहले धक्के वाली बात है, नहीं नहीं विकर्म है, विकर्म है मना। अब वो मां जो है या बाप जो है वो अपने बच्चे को ठोक रहा, कर्म मार रहा, क्यों मार रहा? क्योंकि ये बच्चा जो है इसने गलत संगत पकड़ ली, वहां कुछ चोरी की, बीड़ी पीना सीख लिया, सिगरेट पीना सीख लिया, कुछ ऐसा धंधा किया जो नहीं करना चाहिए, जो अच्छे परिवार में अच्छे संस्कारों में जो बात ठीक नहीं मानी जाती, ऐसा काम उस बच्चे ने किया, इसलिए उसको सन्मार्ग पर लाने के लिए उसके दो थप्पड़ मारे बाप ने या माने, ठीक है। तो उसमें हेतु क्या है? ये बच्चा जो है ये सन्मार्ग पर आए, हेतु मारना हेतु नहीं है, सन्मार्ग पर आना चाहिए, ये हेतु है। तो हमको जो है जब हम कर्मों को देखते हैं तो हमको हेतु का पता नहीं लगता, कोई भी कर्म किस हेतु से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इसका हमको ज्ञान नहीं रहता, और इसलिए जो है हमको समझ में ही नहीं आता ये कर्म कौन सा है। गहना कर्मणों गति ही, कर्म की गति अत्यंत गहन है, अत्यंत गहन है, उसको समझना जो है बड़ा कठिन है। और इसलिए क्या करना चाहिए, अब जो है ये जो 18वां श्लोक हम देखने वाले हैं ये इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। जिस श्लोक के कारण इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग पड़ा है, वो इस 18वें श्लोक के कारण पड़ा है। और 18वां श्लोक जो है वो ज्ञान कर्म संन्यास की आत्मा है, ऐसा हम कह सकते हैं। कर्मण्य कर्म या पश्येत, अकर्मणि च कर्मयः, सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत सयुक्त कृष्ण कर्मकृत सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया 18 से 24 तक जो है भगवान जो है मुख्य उपदेश इस अध्याय का दे रहे हैं, और इस 18वें श्लोक का ही व्याख्यान जो है उसी के डिटेल्स जो है वो 19 से लेके 24 तक भगवान ने दिए हैं। और इसी श्लोक के कारण श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषद सु ऐसा आता है।
समझने के लिए अत्यंत कठिन है, ये श्लोक जो है समझने के लिए अत्यंत कठिन है। जो बुद्धिमान है उनको समझ में आ जाएगा। इस श्लोक की समाप्ति के बाद मैं आपसे पूछूंगा, कड़ा लगा तब का मना चो, हाँ का सब बुद्धिमान मनुष्येषु, भगवान ने कहा। तो इसलिए जो है प्रथम पंक्ति में भगवान कहते हैं कर्मणि अकर्मय पश्येत, अकर्मणि च कर्मय। प्रथम पंक्ति में भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। कड़ा लो, कड़ा लो। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि भगवान जो है वो हमेशा ऐसी उल्टी सीधी बात क्यों करते हैं? Why can't he talk straight? उल्टी सीधी बातें क्यों करते हैं? ये ऐसा हुआ जो दूसरे उदाहरण से समझते हैं, जो घोड़े को गधा और गधे को घोड़ा समझता है वो बुद्धिमान है, करेक्ट है? जो मनुष्य ऐसा ही कहा ना, जो कर्म में अकर्म देखता है, जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य बुद्धिमान है, ऐसा कहा कि नहीं? अब उसी को दूसरे एग्जाम्पल से हम ले रहे हैं। जो मनुष्य गाढ़ वाला घोड़ा समझतो आणि घोड्याला गाढव समजतो तो बुद्धिमान आहे, करेक्ट? ऐसा ये कन्फ्यूजिंग है और इसीलिए भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य इत्यादि अनेक आचार्यों ने इस श्लोक पर बहुत डिटेल ऐसी कमेंट्री लिखी है। और गीता में ऐसे अनेक श्लोक हैं, अनेक श्लोक हैं जहां पर ऐसी विरुद्धार्थी बातें की गई है। उदाहरण के लिए क्या है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानां सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, सभी भूतों के लिए जो रात्रि है वो ज्ञानी के लिए जागृति, और ज्ञानी के लिए जो रात्रि है वो सभी भूतों के लिए जागृति है। काय उल्टा सीधा है, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरं भूतभ्रन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। मैं सभी भूतों के अंदर हूं, मैं सभी भूतों के अंदर नहीं हूं, मतलब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, कंफ्यूज स्टेट। यानी थोड़ी देर के लिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान उस जमाने के, आजकल है ना पॉलिटिशियन जो ऐसी कंफ्यूज बातें करता है, देखा आपने, सुना कभी? एक पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लेता मैं किसी का, वो कंफ्यूज कंफ्यूज बातें करता रहता है, आटा जो है वो कितने रुपए लीटर है ऐसा फिर बोलता है। वो बोलता है भाषण में, बोलता कितने रुपए लीटर है आटा है? ऐसी कंफ्यूज बातें करता है। तो लोग बोलते हैं कि भगवान जो है उस जमाने के ये है, ऐसा नहीं है, मूर्ख है वो लोग, उसके पीछे बहुत बड़ा मर्म है। मर्म, मर्म क्या है? जब महाभारत को लिखने का प्रसंग आया तो महाभारत लिखने के लिए उस जमाने में कोई कंप्यूटर तो था नहीं, कंप्यूटर नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो
लिखने के लिए जो है एक अच्छा लिपिक चाहिए, लिपिक माने क्लर्क जो लिखो। कौन लिखे महाभारत? व्यास ने कहा मैं बोलता जाऊंगा, लिखने की जिम्मेदारी किसी और की, कौन लिखेगा? तो ये पाया गया कि भगवान गणेश जो है वो सर्वोत्तम लेखक है, हैंडराइटिंग भी उनकी अच्छी है, ग्रामर भी अच्छा है उनका, और वो लिखते भी फास्ट है। तो उनसे कहा गया कि वो लिखे। तो भगवान गणेश ने कहा मैं लिखने के लिए तैयार हूं, मेरी एक शर्त है, बोलने वाला रुकना नहीं चाहिए, बोलने वाला रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू बोलता चला जाए, मैं कंटिन्यू लिखता जाऊं। तो व्यास महर्षि परेशान हो गया, बोले क्या करेंगे आप, रुकना नहीं चाहिए, क्यों तो काव्य है, संस्कृत में श्लोक बना के बोलना है, परेशान हो गए क्या करें। तो उन्होंने भी एक शर्त डाली, उन्होंने कहा कि मैं जो जो बोलूंगा उसको लिखते समय लिखने वाला समझ कर लिखे, उसके अर्थ को समझ कर लिखे, जब तक वो समझ के नहीं लिखता तब तक मैं आगे नहीं बोलू। तय हो गई शर्त। तो जहां जहां भी व्यास महर्षि को थोड़े से विश्राम की आवश्यकता होती थी वो ऐसा एक उल्टा सीधा श्लोक बोल देते, ऐसा एक उल्टा सीधा श्लोक बोल देते, कर्मण्य कर्मय पश्येत अकर्मणि च कर्मय, इस तरह से उल्टा सीधा श्लोक बोल देते। अब गणेश जी सोच रहे हैं काय मनाचे है माता रे, सोच रहे, जब तक वो सोचते हैं तब तक जो है इनके आगे के 20-25 श्लोक तैयार हो जाते। इसको जो है ग्रंथ ग्रंथि कहते, ग्रंथ में आने वाली ग्रंथ, ग्रंथ यानी गांठ, गांठ यानी नॉट, ऐसे जो श्लोक आते हैं उसको ग्रंथ ग्रंथि कहते हैं। और वेदांत के तात्पर्य को समझे बिना इस श्लोक का अर्थ लगाना नितांत असंभव है, कोई भी इसका अर्थ नहीं लगा सकता। अब ऐसा है कि प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व में दो भाग है, हमारा जो सारा व्यक्तित्व है पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी में दो कंपोनेंट्स है, दो भाग, एक को कहते हैं आत्मा, एक को कहते हैं अनात्मा। एक को क्या बोलते हैं? आत्मा। एक को बोलते हैं अनात्मा। अंग्रेजी में अगर बोले एक को बोलते हैं स्पिरिट और दूसरे को बोलते हैं मैटर, मैटर मैटर, एक है स्पिरिट एक है मैटर। किसी भी व्यवहार को पूर्ण होने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को पूर्ण होने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है, आत्मा की भी आवश्यकता है और अनात्मा की भी आवश्यकता है। जैसे यहां एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, यहां एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या आप सुन रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें काम कर रही, बोलने के लिए मुझे एक मुख की आवश्यकता है, एक जबान जिह्वा की आवश्यकता है, दांतों की आवश्यकता है, एक शरीर की आवश्यकता है, एक मन की आवश्यकता है, एक बुद्धि की आवश्यकता है, इसके बिना मैं नहीं बोल सकता। एक बुद्धि होनी चाहिए, एक मन होना चाहिए, वाणी होनी चाहिए और शरीर के अंदर बोलने की शक्ति होनी चाहिए और शरीर होना चाहिए तो मैं बोल सकता। उसी तरह से आपको एक बुद्धि चाहिए, आपको एक मन चाहिए, आपको एक शरीर चाहिए, आपको कान चाहिए, श्रोतेंद्रिय चाहिए, ये सब इक्विपमेंट आपके पास होगा तो आप सुन सकते हैं। किंतु ये जो सारा इक्विपमेंट है वो पावरलेस है, वो जो है पावरलेस है, उसको एम्पावर करने वाली शक्ति कौन सी है? तो आत्मा है, आत्मा है। उस आत्मा से एम्पावर्ड होकर मेरी वाणी बोलती है, मेरा शरीर
काम करता है, मेरा मन काम करता है, मेरी बुद्धि काम करती है और मैं बोलता हूं। उस आत्मा से एम्पावर होकर आपका शरीर काम करता है, आपका मन काम करता है, आपकी बुद्धि काम करती है, आप सुनते हैं, ठीक है। ठीक जैसे मोबाइल फोन, नेटवर्क भी, मोबाइल फोन चलने के लिए क्या क्या चाहिए? नहीं, चार्जर वार्जर छोड़िए, मोबाइल फोन चलने के लिए दो चीजें चाहिए, क्या? मोबाइल का डब्बा और दो चीजें। अच्छा मान लीजिए नेटवर्क नहीं है, केवल डब्बा ही डब्बा है, चलेगा क्या? अच्छा मान लीजिए नेटवर्क है और डब्बा नहीं है, तो दोनों से समझ में आएगा? इतना क्लियर? कोई डाउट? तो हमारे व्यक्तित्व को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक को आत्मा कहते हैं, एक को अनात्मा कहते हैं। आत्मा और अनात्मा में कई भेद हैं, कई डिफरेंसेस हैं। क्या क्या है? तो मुख्यतः जो है पांच डिफरेंसेस हमारे वेदांत शास्त्र में बताए गए, पांच। क्या है? आत्मा एक है, आत्मा एक है, और अनात्मा अनेक है। ये पहला डिफरेंस है, आत्मा एक है, अनात्मा अनेक है। जैसे नेटवर्क एक है, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अनेक है। ये पहला अंतर है उनके अंदर। दूसरा क्या? तो दूसरा, आत्मा जो है वो व्यापक है, सब तरफ फैला हुआ है, और अनात्मा जो है वो लिमिटेड है। समझ में आई बात? फिर नेटवर्क जो है वो चारों ओर फैला हुआ है, नेटवर्क जो है वो चारों ओर फैला हुआ है, अनलिमिटेड है, और मोबाइल फोन 3.5 इंच बाय 5.5 इंच उसकी मर्यादा उतनी ही है। नेटवर्क की मर्यादा कितनी है? अनलिमिटेड है। मोबाइल फोन 3.5 इंच 5.5 इंच 6 इंच ज्यादा से ज्यादा। समझ में आई बात? दो डिफरेंस हो गए, पहला कौन सा? आत्मा एक है, अनात्मा आत्मा व्यापक है, अनात्मा मर्यादित है। तीसरा भेद क्या? आत्मा निर्विकार है, आत्मा क्या है? निर्विकार है, और अनात्मा जो है वो विकारी है। विकारी मतलब चेंजिंग, मॉडिफाइंग। विकारी मतलब क्या? जो चेंज होता है, जो मॉडिफाई होता है। अब फिर उदाहरण लेते हैं नेटवर्क। नेटवर्क में कुछ चेंजेस होते हैं क्या? कल रात को नेटवर्क हरा था, आज पीला हो गया, ऐसा होता क्या? नेटवर्क जो है कल रात को हरा था, आज रात को नीला हो गया, ऐसा होता क्या? नहीं, वो चेंजलेस है नेटवर्क। वेयरएज अनात्मा जो है, मोबाइल जो है, उसके अंदर अनेक चेंजेस होते रहे। क्या उसका आपने वो ये बदल दिया, क्या बोलते उसको, कवर, उसके फिल्म बदल दी, कवर बदल दिया, और उसके अंदर जो आपका वॉलपेपर होता वो बदल दिया आपने, आपने डीपी बदल दिया। डीपी तो रोज लोग दिन में 3 बार बदल डीपी, और डीपी को फिर डीपी बदल के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे वाला देख के वाओ बोले, वाओ डीपी। डीपी चेंज होता है क्या? नहीं। स्क्रीन, स्क्रीन बदल, स्क्रीन गार्ड, स्क्रीन गार्ड बदल, यहां तक कि पूरा का पूरा मोबाइल भी बदल जाता। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति, ये सारे विकार मोबाइल फोन के अंदर है, सारे विकार है उसके अंदर। किंतु नेटवर्क के अंदर कभी कोई चेंज नहीं होता। समझ में आई बात? तीन हो गए। चौथा क्या? आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, हमेशा। नित्य शब्द का अर्थ रोजाना नहीं,
नित्य शब्द का अर्थ डेली नहीं, नित्य शब्द का अर्थ इटर्नल है। नित्य यानी इटर्नल, हमेशा। और अनात्मा जो है वो क्या है, वो अनित्य है। अनित्य यानी थोड़े काल रहने वाला, फिर बदल जाने वाला, फिर नष्ट होने वाला, अनित्य। फिर जाते हैं हम नेटवर्क। नेटवर्क कैसा है? नित्य, हमेशा है। मगर आपका फोन हमेशा चालू रहता है क्या, ऑन रहता है क्या? नहीं रहता है। महाराजन की कटकट है, मोबाइल स्विच ऑफ करा, मोबाइल स्विच ऑफ करा। प्रवचन आ रहा है कि मोबाइल स्विच ऑफ करा, अरे दोन तास बंद। नित्य है क्या मोबाइल? अनित्य है। आता काय तुमची धडपड काय? हे लवकर संपावं त्याला एकदा कधी नित्य करू असं होत। वो जो है अनित्य है। चौथा हो गया। और पांचवा और अंतिम है, आत्मा निर्गुण है और अनात्मा जो है वो सगुण है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज है। जैसे फिर उदाहरण किसका? नेटवर्क। नेटवर्क निर्गुण है, उसको आपने देखा किसी ने नेटवर्क को? हरा है, नीला है, मोटा है, काला है, इंडियन है, जापानीज है, कोरियन है, पाकिस्तानी, क्या है? ठिंगना है, ऊंचा है, देखा आपने नेटवर्क को? उसका कोई गुण नहीं बता सकते आप, नेटवर्क ऐसा है ऐसा नहीं बोल सकते। वेयरएज आपका जो मोबाइल है उसके अंदर गुण है, एप्पल 14 प्रो। तुझा क्या प्रो है क्या? हो, माजा प्रो है, माजा प्रो नहीं है, म्हणजे काय? गुण आलं, प्रो प्रॉपर्टी, प्रो मीन्स प्रॉपर्टी, है ना, गुण है। तुमचं कोणतं आहे? सॅमसंग। उसमें फीचर्स कितने हैं? मान लीजिए 20 है। मेरा कौन सा? वन प्लस। वन प्लस के अंदर कितने फीचर्स हैं? 22। तुमच्या पेक्षा दोन फीचर्स जास्त। डुअल कैमेरा, ट्रिपल कैमेरा, स्लो मोशन कैमेरा, और पता नहीं क्या 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 उसके अंदर आ गया। तो मोबाइल के अंदर गुण है, प्रॉपर्टीज है, नेटवर्क के अंदर है क्या? तो ये पांच भेद हैं, किसमें? आत्मा में, अनात्मा में। पहला क्या? एक है, अनात्मा अनेक है। आत्मा व्यापक है, अनात्मा मर्यादित है। आत्मा निर्विकार है, आत्मा सविकार है। आत्मा नित्य है, अनात्मा अनित्य है। और अंत में आत्मा निर्गुण है और अनात्मा सगुण है। अब देखिए, इन पांच भेदों के कारण, देखिए इतना डिटेल में, और हाँ ये नेहमी लक्षात रहो। तो आत्मा जो है वो कैसा है, तो उसकी उपमा अगर किसी से दी जा सकते, मैं नेटवर्क की देता हूं क्योंकि आपको समझ में आए। शास्त्र में उसको आकाश की उपमा दी गई है। आत्मा के बराबर, आत्मा जैसा अगर कुछ है, 100% नहीं, उसके अंदर भी भेद है, मगर थोड़ा सा समझने के लिए, आत्मा जो है कैसा है, तो आकाश जैसा है, आकाश जैसा है। उसके अंदर कहीं कोई भेद नहीं है, उसके अंदर कोई परिच्छेद नहीं है, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको भिगाया नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। आप नष्ट हो जाएंगे किंतु वो नष्ट नहीं होगा, आकाश। अब देखिए, बाकी के जो चार भूत हैं आकाश को छोड़कर, वो सब क्रिया कर सकते, कर्म कर सकते। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये चार आकाश को छोड़कर, आकाशा व्यतिरिक्त चार, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये चार जो महाभूत हैं वो कर्म कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? पृथ्वी कर्म कर सकते, भूकंप हो गया तो पृथ्वी के अंदर कर्म है। आप जल, वो तो कितना बड़ा कर्म कर देता है कभी कभी, हाँ, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, अमुक आ गया, तमुक आ गया, तो क्या हो गया फिर? जल का कर्म है।
वायु बिल्डिंगें उड़ जाती हैं, कारें बसें उड़ जाती हैं, उसमें भी कर्म संभव है। अग्नि, अग्नि में भी कर्म संभव, जला देगी वो। आकाश कुछ कर सकता है क्या? विचार करूंगा, विचार करूंगा, आकाश का ही तरी कर सकते क्या? महाराज कार्य धूम रात्रि माणिक विहार ला जाता ना, ते आकाश कुसल माणिक विहार ला जाता ना भूकंप हो सकते, या नदी वरून या पुला वरून जात असताना पाणी भरपूर येऊन फ्लड येऊन त्याच्यामध्ये तुम्ही वाहून जाऊ शकता, गॉड फॉरबिड। आग लागू शकते, वारा जोराचा येऊन त्या पुलावरून तुम्ही खाली पडू शकता, पडणार नाहीत म्हणा, एकेकाचं वजन 180-180 किलो, कशाला पडता सोड। उदाहरण द्यायला काय जात तो जल आहे, आकाश कुठं आहे ते जल आहे। तो पृथ्वी आप तेज वायु ये चार भूत कर्म कर सकते हैं, आकाश कर्म नहीं कर सकता, अक्रिय है। और आत्मा जो है वो आकाश से उसकी उपमा होने के कारण आत्मा भी अक्रिय है, आत्मा भी कर्म नहीं कर सकता। आत्मा कर्म क्यों नहीं कर सकता? आत्मा कर्म नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो सर्वव्यापक होने के कारण उसको बिचारे को हिलने की भी जगह नहीं है। जो चीज सर्वव्यापक है वो हिल सकती क्या? जैसे ये गिलास, ये गिलास सर्वव्यापक नहीं है, इसकी मर्यादा है 3 इंच 3.5 इंच 4 इंच, इतनी मर्यादा है इसकी। ये गिलास जो है हिल सकता है, गिलास हिल सकता है, आकाश हिल सकता है क्या? उसको मान लीजिए बड़े बड़े प्रेशर पंप लाके हिलाने की कोशिश, तो हिलेगा क्या? बड़े बड़े बुलडोजर लाके हिलाने की कोशिश, हिलेगा क्या? तो आकाश जो है वो कभी भी कर्म नहीं कर सकता, और आत्मा आकाशवत होने के कारण आत्मा भी कर्म नहीं कर सकता, आत्मा कर्म कर ही नहीं सकता। कर्म करने के लिए क्या, वहां दो होने चाहिए, आत्मा एक है। कर्म करने के लिए कर्म का है, मी तुमच्या मुस्कटात एक मारली, मारणार नाही म्हणा पण समजा मारली, ठोकली, मारण्यासाठी मी एक पाहिजे मारणारा आणि मार खाणारा। मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, फिर वहां क्या, वहां दो लोग चाहिए, कौन कौन से? एक देने वाला एक लेने वाला। भोजन करना है तो वहां दो चीजें चाहिए, अन्न चाहिए भोक्ता चाहिए। किसी भी कर्म के लिए वहां दो चीजें चाहिए, आत्मा एक ही है, वो कर्म कैसे करेगा? वो कर्म नहीं कर सकता, आत्मा कर्म नहीं कर सकता, एक चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अनात्मा बिना कर्म किए रह नहीं सकता। अनात्मा जो है वो बिना कर्म किए रह नहीं सकता, ये मैं नहीं बोल रहा, भगवान भी नहीं बोल रहे, ये साइंस से प्रूव्ड है। अब जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार आत्मा है या अनात्मा है? बहुत अच्छा, ये दीवार क्या है? अनात्मा। और अनात्मा है, और साइंस ये कह रहा है इसके अंदर सतत कर्म होता रहता है, होता रहता है कि नहीं होता रहता? कैसे होता? इसके अंदर एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सतत घूमते रहते हैं। मैटर इज इन इटर्नल मोशन, हमेशा मोशन में है, वो परिवर्तनशील है। हमको लगता है ये दीवार स्थिर है, किंतु इसके अंदर जो है, क्योंकि ये भौतिक है, भूतों से बना हुआ है,
और भूतों में सतत परिवर्तन होता रहता, सतत। जैसे आप लोग हैं, आपका शरीर है, आप इस हॉल में आने के पहले, आज तो खैर वक्त हो गया, समय हो गया, कल इस हॉल में आने के पहले अपनी एक सेल्फी लीजिए, उसको सेव कीजिए। क्या बिफोर प्रवचन क्या लिखेंगे? नहीं, वेदांत का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं। बाहर ताक पी तस्ताना एक सेल्फी गई, सेल्फी लेकर उसके टाइटल उसको सेव करेंगे, क्या? सेल्फ मी बिफोर प्रवचन। और उसके बाद प्रवचन समाप्त होने के बाद जब आप भंडार खाने में जाएंगे इधर से, इस रास्ते से यहां पर, यहां एक सेल्फी लीजिए आफ्टर प्रवचन। तो डेढ़ पौने दो घंटों के अंदर आपके शरीर में कितने परिवर्तन हो गए, जरा नोटिस कीजिए। सबसे पहला चेहरे के अंदर परिवर्तन होता, अंदर आते समय, जाते समय, दुख का दुखा लगला भाई, दुख का दुखा लगला। कल ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, वो सेल्फीज मुझे फॉरवर्ड कीजिए। तो एक तो चेहरे के अंदर परिवर्तन, उसके अलावा जो है प्रतिक्षण आपके बाल जो हैं वो 0.001 mm जो है सफेद हो जाएंगे, आपके चेहरे के ऊपर 0.00001 झुर्री गिर जाएगी, आपके दांत जो है वो थोड़े से कमजोर हो जाएंगे, आप मृत्यु से 2 घंटे नजदीक हो जाएंगे। You will be nearer to death. 2 घंटे पास पहुंच गए। तो परिवर्तन होता रहता, वृक्ष के अंदर होता है परिवर्तन, पक्षियों में होता, प्राणियों में होता, दीवारों के अंदर होता, एसी के अंदर होता, धातु में होता। देखिए आप धातु पीतल के तांबे के बर्तन होते हैं, आप 2 दिन उनको रखिए, काले पड़ जाते, काले पड़ जाते। धान्य में परिवर्तन होता, डिब्बे के अंदर चावल रखिए, 6 महीने बाद निकाल के देखिए उसमें कीड़े हो जाते। हर चीज में परिवर्तन होता। और सबसे बड़ी बात, इन सब को धारण, इस सारे मैटर को धारण करने वाली पृथ्वी स्वयं 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, क्या है स्पीड, 60,000 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। तो स्थिर क्या है यहां, अनात्मा स्थिर है ही नहीं। 60,000 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। तो अनात्मा जो है वो स्थिर रह ही नहीं सकता, अनात्मा स्थिर नहीं रह सकता, और आत्मा कर्म नहीं कर सकता। अनात्मा जो है, मैटर जो है, वो विश्राम की अवस्था में भी क्रियाशील रहता है, विश्राम की अवस्था में भी, नींद में भी वो क्रियाशील रहता है। जैसे श्वास है, श्वास, महाराज काल रात्रि भजन झाल्यावर जाऊन झोपलो, बघा झोपलो, असं झोपलो, श्वास घेणं पण विसरत। श्वास तो चलती है ना, स्वप्न चलता है। आता किती दिवस झाले वेदांत सत्ताचे? 4 संपले, आता फक्त 3 दिवस आहे। एकदाची ही कटकट संपली की मग मजा, फक्त 3 दिवस आहे। स्वप्नामध्ये बायको दिसती, बायकोला नवरा दिसतोय, आईला मुलगा दिसतोय, मुलगाला आई दिसते। आता स्वप्नामध्ये काय 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 दिसत राहते, कोणाच्या स्वप्नात जाऊन कोण पाहिलं आम्ही, आम्हाला काय माहित। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैटर जो है एट रेस्ट है, ऐसा अगर लगे भी हमको बाहर से, तो भी उसके अंदर क्रिया चलती, कर्म चलता रहता है। श्वास है, स्वप्न है, पचन, रात में आपने भोजन किया, उसका जो डाइजेशन है
वो सुबह उठ के होता है क्या? वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। और सबसे बड़ा मन का संकल्प विकल्प, आता का है, आता डेढ़ बाज ले, आता का है डेढ़ बाज ले, आता पर्यंत फक्त तीन श्लोक झाले, तीन ही झाले, अडीच अडीच झाले। हे महाराज कधी पर्यंत घेतात की काय नाही की, ते किती वाजता सोडतात की काय नाही की, ये हमेशा चलता रहता मन में, संकल्प विकल्प चलता रहता है मन के अंदर। तो मैटर जो है, अनात्मा जो है, वो निद्रा में भी उसके अंदर जो है कर्म बीज रूप से रहते हैं। इसीलिए आप देखिए, जागते ही पहले मोबाइल निकालता है, पहले मोबाइल बिस्तरे में यही होता, मोबाइल ऐसे लेके खटाक सोई जगह पे खोलता, हाँ काय झालं ते पेमेंटचं काय झालं, ह्या पेमेंटचं काय झालं, ते ट्रान्सपोर्टचं काय झालं, बँकेचं काय झालं, अमुक काय झालं, तमुक काय झालं, शुरू हो जाता उसका। वो सारे कर्म बीज रूप में निद्रा में जो है उसके पोटेंशियल फॉर्म के अंदर उसके दिमाग में रहते हैं वो। अतः ज्ञान क्या है? अनात्मा सतत क्रियाशील है, ये बॉटम लाइन बता रहा हूं। अनात्मा सतत क्रियाशील है, उसके अंदर सतत कर्म होते रहते हैं, इस बात को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। कर्म जो है वो अनात्मा के द्वारा सतत होते रहते हैं, इसको एक्सेप्ट करो। और आत्मा में कोई कर्म नहीं होता, इसको एक्सेप्ट करो। आत्मा में कोई कर्म नहीं होता, इसको एक्सेप्ट करो। इसी को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं। आत्मा में कोई कर्म कभी नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं करता, अनात्मा सतत करता रहता है, अनात्मा सतत करता रहता है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनात्मा के स्तर पर कर्म होते हुए भी आत्मा को जो अकर्ता समझता है और स्वयं का आइडेंटिफिकेशन आत्मा से करता है वो ज्ञानी। समझ में आई बात? सब बुद्धिमान भगवान म्हणतात, हे ज्याला कळालं तो बुद्धिमान, हे ज्याला कळालं तो बुद्धिमान। अनात्मा के स्तर पर कर्म होते हुए भी जो आत्मा को अकर्ता मानता है और स्वयं का आइडेंटिफिकेशन आत्मा के साथ करता है वो ज्ञानी है। और जो स्वयं का आइडेंटिफिकेशन अनात्मा के साथ करता है वो अज्ञानी है। आइडेंटिफिकेशन यानी क्या? आइडेंटिफिकेशन यानी तादात्म्य, उसकी पहचान। जैसे अब फिर वो उदाहरण जो है ना, मुझको ऐसे ही लोकल पॉलिटिक्स के वही लेने पड़ते। आज तक एक आदमी जो हिंदुत्व को गाली देता था, डेंगू है, मच्छर है, अमुक है, तमुक है, गाली देता था, ऐसा आदमी अगर पार्टी चेंज कर ले, पार्टी चेंज कर ले और रुद्राक्ष माला पहनकर, पीले रंग का गमछा डालकर अयोध्या में जाके जय श्री राम बोलने लगे, तो वो क्या हो जाता है? वो आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाता है वहां पर। यानी क्या? उस पार्टी की आइडियोलॉजी को छोड़कर उसने किसी अन्य पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया, सत्य मान लिया उसको। आज तक क्या उसको असत्य समझता था, अब क्या उसने सत्य मान लिया। पीले रंग का गमछा डाल लेके, रुद्राक्ष माला पहन के, भस्म लगा लेके और फिर कहा काशी विश्वनाथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो वो क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन चेंज हो गया उसका। कब? जब उसने उसको वास्तव में सत्य, केवल फोटो खिंचाने के लिए नहीं, केवल फोटोग्राफी के लिए, केवल वोटों के लिए नहीं, मन से, मन से अगर कोई ऐसा करता है तो हम क्या बोलते हैं? उसका आइडेंटिफिकेशन चेंज हो गया।
तो यहां भगवान क्या कहते हैं, अनात्मा के स्तर पर कर्म होते हुए भी जो आत्मा को अकर्ता समझता है और अपने को आत्मा की पालती में शामिल करता है वो ज्ञानी है। तो सगळं पुष्कळ आलं त्याच्यामध्ये, सगळं वेदांताचं सारच आलंय। अनात्मा जो है वो कभी भी शांत नहीं होगा। हम जो बोलते हैं ना, कर्म से हमको कर्म रुकेंगे तो फिर हमारा पाप पुण्य रुकेंगे, पाप पुण्य रुकेगा तो फिर शरीर धारण रुकेगा और हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो अनात्मा में कर्म रुकेगा ही नहीं कभी। उस पार्टी के अंदर रहोगे तो कर्म कभी रुकेगा ही नहीं, और इस पार्टी में अगर आ जाओगे यहां कर्म है ही नहीं। तुमको चाहिए क्या? कर्मों से मुक्ति चाहिए। क्यों? कर्म फलों से मुक्ति चाहिए। क्यों? शरीर से मुक्ति चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? पार्टी चेंज करनी पड़ेगी। पार्टी चेंज, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, पार्टी चेंज करनी पड़ेगी। अब ऐसा है, पार्टी कैसे चेंज करते हैं? जैसे मेरा ये हाथ है, मेरा हाथ इस समय क्या कर रहा है? जल के पात्र को उसने पकड़ रखा है, ठीक है? मेरे हाथ ने जल के पात्र को पकड़ रखा है, ठीक है? अब ये हाथ जो है, इस हाथ को व्यापने वाला प्रकाश हिल रहा है क्या? हाथ को व्यापने वाला जो प्रकाश है वो हिल रहा है क्या? उसके अंदर कोई एक्टिविटी है क्या? मैंने ये हाथ ऊपर किया, लाइट ऊपर हुआ क्या? नहीं। मैंने हाथ नीचे किया, लाइट नीचे हुआ क्या? नहीं। मैंने इधर किया, इधर हुआ क्या? इधर हुआ क्या? नहीं, ठीक है, वो नहीं हिल रहा। जिस तरह से सिनेमा में कारें उड़ जाती हैं, ब्लास्ट होता, एक्सीडेंट होता है, तो कार से टक्कर होती है, एक कार इधर उड़ती है, एक कार उधर उड़ती है, मारपीट होती है, मर्डर होता, डाका होता, रोमांस होता है, शादी होती है, बाजा बजता है, हाँ, और बड़े बड़े डांस होते, सीन होते, अमुक तमुक सब कुछ होता है। वो सब कुछ होते हुए भी पर्दे के ऊपर कोई एक्टिविटी होती है क्या? पर्दा उसके अंदर इन्वॉल्व होता है क्या? ना शोले के अंदर क्या गब्बर सिंह क्या करता है? दारू की बोतल फेंकता है जमीन पे और कांच बिखर जाते हैं और बोलता बसंती नाच। और हीरो क्या बोलता? वो जो बंधा हुआ है कौन? हाँ, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, कुत्तों के सामने मत नाचना। फिर भी बसंती नाचती है और उसके पैरों में खून, पैर लहू लिहान हो जाते बसंती के बिचारी के। पर्दे के ऊपर एक इतना इतना एक बूंद खून नहीं लगा, पर्दा लाल हुआ क्या? कर्म किसमें हुए? अनात्मा में हुए। आत्मा जो पर्दा है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं होता। तो इसलिए कर्म के चक्रव्यूह में हम अभिमन्यु की तरह घुस तो जाते हैं। अभिमन्यु को क्या था? चक्रव्यूह में घुसना मालूम था किंतु निकलने का रास्ता नहीं मालूम था। उसी तरह से हम भी कर्म के चक्रव्यूह में घुस जाते हैं और वहां से निकलने का रास्ता नहीं। ये कर्म का मामला कैसा है? इसको हम बोलते हैं बाघ की सवारी, राइडिंग अ टाइगर, है ना? आप शेर के ऊपर बैठ तो गए, उतरे कैसे? वाघावर बसना सोपा, उतरना होगा कैसे? क्या करेंगे? उतर ही नहीं सकते। उतरेंगे वो खा लेगा, उतरेंगे तो खा लेगा। तो कर्म के स्तर जंजाल से बाहर निकलने का उपाय क्या है? कि आत्मा के स्तर पर अकर्म को देखना। मैं आत्मा हूं, मैं क्या हूं? मेरे पर्सनालिटी के दो अंग हैं, एक क्या आत्मा है, एक अनात्मा। मैं आत्मा हूं,
और इसलिए जितने भी कर्म हो रहे हैं वो मैं कर रहा हूं क्या? मैं नहीं कर रहा, अनात्मा कर रहा हूं। तो कर्मणि अकर्म या पश्ये, कर्म के अंदर अकर्म को देखना यानी क्या? कर्म के अंदर अकर्म को देखना, एक्शन में इनएक्शन को देखना। ये कैसे देखेंगे? एक्शन में इनएक्शन को हम कब देखेंगे? जब हम अपने आप को आत्मा के साथ आइडेंटिफाई करेंगे तब। और कर्मणि अकर्म या पश्येत, अकर्मणि च कर्मयः। और अकर्म में कर्म को देखना, इनएक्शन में एक्शन को देखना। तो जितनी हमको ये स्थिर चीजें दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर एक्शन हो रहा है, इस बात को देखना। मैटर के अंदर एक्शन को देखना। शरीर विश्राम की स्थिति में हो तो भी वो मैटर है, वो अनात्मा है, तो इसके अंदर कर्म होगा ही, ऐसा मान के चलना। इसको जो है क्या बोलते हैं? कर्मणि अकर्म या पश्येत, और अकर्मणि च कर्मयः। अकर्म में कर्म को जो देखता है और कर्म में अकर्म को जो देखता है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, बुद्धिमान मनुष्यों। और सयुक्तः, युक्त है वो, युक्त यानी क्या? वो मुझसे जुड़ा हुआ है। और कृष्ण कर्म कृत, वो कृतकृत्य हो गया, उसको आप कुछ करने करने या न करने की जरूरत नहीं, वो करे तो भी ठीक न करे तो भी ठीक, वो कृतकृत्य हो गया। अब उसको कर्म करना आवश्यक ही नहीं है, नहीं करना भी आवश्यक नहीं, करे तो भी ठीक नहीं करे तो भी ठीक। ऐसी अवस्था किसकी हो जाती है? ज्ञानी की हो जाती है। कर्म में अकर्म को देखना, कर्म में अकर्म को कैसे देखना? स्वयं को आत्मा के साथ आइडेंटिफाई करेंगे तो कर्म में अकर्म दिखाई देगा। और अकर्म में कर्म को देखना, जो वस्तु कुछ नहीं कर रही ऐसा लगता है, वहां पर कर्म को देखना, वो क्या है? वो जो है कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना, ये ज्ञानी का लक्षण है। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो बुद्धिमान है, युक्त है, और कृतकृत्य है, उसको फिर अब कुछ करने या न करने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात? कराला का हाँ हो मन्नत बरक नहीं तर का है। अब ये जो 18वां श्लोक था, यह अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा श्लोक था। आगे 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये चार पांच श्लोक जो है, पांच छह श्लोक जो है, वो इसी श्लोक की कमेंट्रीज है, इसी का विस्तार। तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितं बुधाः। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है, जिसके कर्मों के आरंभ जो है वो संकल्प और कामना से रहित हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म जो है वो ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं, उसको बुद्धिमान कहते हैं। तमाहु पंडितं बुधाः, उसको पंडित कहा जाता है, उसको बुद्धिमान कहा जाता है, उसको ज्ञानी कहा जाता है। तो ज्ञानी जो होता है उसको अपने पूर्णत्व का ज्ञान होता है। अहम पूर्ण, मैं पूर्ण, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जिसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है उसको कुछ करने की जरूरत है क्या? हम क्यों करते हैं कुछ भी? हम जो भी करते हैं क्यों करते हैं? किसी चीज की आवश्यकता होती है,
इसलिए हम करते हैं। श्रुति आती है, आत्मानं चेद् विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंवरेत्। आत्मानं चेद् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः, मैं पूर्ण हूं, ऐसा भाव, ऐसा ज्ञान जब मुझको हो जाता। अच्छा आप देखिए, अब मैं पूर्ण हूं ऐसा ज्ञान कब होगा? मैं आई एम कंप्लीट, मैं पूर्ण हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ज्ञान कब होगा? नहीं, भगवान का अंश अंश यानी फिर वहां पर कमी आ गई। मैं पूर्ण हूं इस बात का ज्ञान कब होगा? जब मैं ये मानूं कि मैं यानी आत्मा हूं, मैं यानी आत्मा हूं। मैं अगर अपने आप को आत्मा समझूंगा तो मैं पूर्ण हूंगा, अगर मैं अपने आप को अनात्मा मानूंगा तो फिर वहां अपूर्णता, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, हाँ, धन की आवश्यकता होगी, स्त्री की आवश्यकता होगी, पुत्र की आवश्यकता होगी, पति की आवश्यकता होगी, सारी घर की आवश्यकता, ये सारी आवश्यकताएं किसको हैं? ये सारी आवश्यकताएं मैटर को हैं, अनात्मा को हैं, स्पिरिट को है क्या, आत्मा को है क्या? आत्मा को। तो प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफिकेशन का ही प्रॉब्लम है। मैं अपने आप को क्या समझता हूं, मैं अपने आप को क्या समझता हूं, यहां प्रॉब्लम है। देखिए बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, मैं क्या हूं ये मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या हूं ये मेरी ही समझ में नहीं आता। जैसे एक प्रश्न मैं अपने आप से पूछ, आपसे पूछता हूं, बोलिए आप पिता हैं या पुत्र हैं? दोनों कैसे रह सकते? मैं बीजेपी में भी हूं, कांग्रेस में भी हूं, ऐसा हो सकता है क्या? दोनों नहीं हो सकते, या तो आप पिता हैं या आप पुत्र क्या हैं? पिता के संबंध से आप पुत्र, पुत्र के संबंध से आप पिता। आप गुरु हैं या शिष्य हैं? तो गुरु के संबंध से शिष्य हूं, शिष्य के संबंध से गुरु हूं, ठीक है। तो जितनी भी मेरी आइडेंटिफिकेशन है, कोई भी है, मेरा नाम, नाम किसका नाम पूछे आप? तुमसे नाम क्या हो? संजय। संजय नाम संजय क्या? तुमसे नाम संजय है, तुमसे लग्न झाले, तुमची आई तुम्हाला काय म्हणून बोलावते? संजू। तुमचं नाव संजय है पण तुमची आई तुम्हाला संजू म्हणते। तुमचे मित्र काय म्हणतात तुम्हाला? मित्र, एखादा कोणीतरी सावट मित्र संजय म्हणत असेल तो म्हणतो की नाही? ऑफिसमध्ये तुम्ही जिथे काम करता तिथे तुम्हाला काय म्हणतात? बसमतकर म्हणतात, बसमतकर साहेब। आणि तुमची पत्नी तुम्हाला काय म्हणते? अहो संजय, संज्ञा, संजू, बसमतकर, पाच नाव झाली तुमची, ह्यातलं खरं कुठलं? खरं कुठलं? जर तुम्ही संजू हे खरं असं म्हणालात तर अहो निघून जात। माझं नाव संजू हेच खरं, माझी आई मला लाडानी संजू म्हणून बोलावते, हे खरं आहे, संजूच माझं नाव आहे, असं म्हणालात की अहो। जर तुम्ही म्हणालात माझं नाव अहो आहे तर संजू, जर तुम्ही म्हणालात माझं नाव संजा आहे तर बसमतकर कट, पगार बंद। आणि जर तुम्ही म्हणालात माझं नाव बसमतकर आहे तर अहो, संजा आणि संजू हे तिन्ही कट होऊन जाते। खरं नाव कुठलं ते सांगा।
नहीं बोल सकते भाई, हमारी आइडेंटिटी अपने बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, केवल नाम नहीं, वेट के बारे में, वेट, वेट मेरा 80 किलो है 70 किलो, ऐसा नहीं बोल सकते। आज 70 है, कल 71 हो जाता, परसों 72 हो जाता, हाँ फिर कभी 80 हो जाता, फिर 82 हो जाता, कम होता ज्यादा होता, हर चीज में है वैसा। उम्र के बारे में नहीं बोल सकते, तुम सब है कितनी साल, 45 वर्ष, कितनी महीने, कितने दिवस, समझा 45 वर्ष 10 महीने 9 दिवस, उदाहरण 45 वर्ष 10 महीने 9 दिवस त्या प्रणीलचं वय असा ह्या क्षणाला म्हणाला, 45 वर्ष 10 महीने 9 दिवस 23 तास 18 सेकंड, बरोबर आहे। आता काय भाई, आता एक कोणी, आता किती स्थिर काहीतरी सांगतोस का, स्थिर एवढे माझा भाई आहे, नहीं बोल सकते। अपनी उम्र के बारे में नहीं बोल सकते, अपने नाम के बारे में नहीं बोल सकते, अपनी संपत्ति के बारे में नहीं बोल सकते, अपने किसी भी बारे में, अनात्मा के विषय में स्थिरता है ही नहीं, है ही नहीं स्थिरता उसके अंदर। आत्मा स्थिर है, मोबाइल फोन का और नेटवर्क का उदाहरण दिया ना मैंने, अगर आपने कहा मैं आत्मा हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, फिर वहां कोई परिवर्तन नहीं, वहां कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन अनात्मा के स्तर पर होते रहते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, जिसके सारे कर्म जो हैं, कर्मों का आरंभ काम और संकल्प से वर्जित है। काम यानी क्या, काम यानी कामना, हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे एक कामना होती है, कामना होती है, ये कर्म मैं करूंगा तो मुझको अमुक फल की प्राप्ति हो, ये कर्म मैं करूंगा तो अमुक फल की प्राप्ति हो, इस तरह से एक कामना होती है। किंतु कर्तव्य कर्म में वहां किसी कामना का कोई प्रश्न, ये करना है बस, ये काम है मेरा, ये करना ही है। जैसे उदाहरण, उदाहरण क्या, माता पिता को नमस्कार करना, माता पिता को नमस्कार करना, ये क्या है, ये पुत्र का कर्तव्य, कर्तव्य। उसके अंदर वो ये विचार करता है क्या, नमस्कार करने के पहले आमच्या आईच्या घड्यामध्ये 3 तोळ्याचं हार आहे, नमस्कार केले तर देती की काय की, ऐसा विचार करते। बापाच्या बँकेमध्ये 25 लाख रुपये आहेत, म्हातारा देतोय काय बघूया, आज नमस्कार तरी करून बघूया, देतोय का म्हातारा, देतोय का, देत नाही, तू 100 वेळा नमस्कार केला तरी देत नाही। अच्छा दिला नाही म्हणून नमस्कार सोडता येते का, हाँ 25 लाख ठेवून घेऊन बसला बेटा मला काहीच देणार झालं, आजपासून त्याचा नमस्कार बंद, हा मेल तर तुला पिंड देतो काय बघ, असं कोणी म्हणतंय काय, ऐसा कोणी बोलताय काय, तू मरून तरी बघ तुला पिंड देतो काय बघ, उपाशी मरशील, बोलते है क्या, नहीं बोल सकते। कर्तव्य कर्म में कोई काम संकल्प कुछ नहीं है, वहां पर ये करना है तो करना है बस, इट इज माई ड्यूटी। और ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणाम, ज्ञान की अग्नि से जिसके सारे कर्म जल गए हैं, तमाहु पंडितम बुधाः, उसको जो है विद्वान लोग जो है उसको पंडित बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जिसके सारे कर्म जो हैं वो ज्ञान की अग्नि में जल गए, बीज होता है ना बीज, शेंगदाने शेंगदाने शेंगदाने, कच्चे शेंगदाने न भाजलेले, कच्चे शेंगदाने अपन एका एक वो होता ना क्या बोलते उसको, कड़े नहीं हो, कड़े नहीं, झाड़ लावतो ना अपन, हाँ गमला कुंडी,
आता त्याच्यामध्ये जर कच्चे शेंगदाणे आपण पेरले आणि एक चार दिवस पाणी दिलं त्याला, तर त्याच्यातून काय रोप येतात. रोप येऊन त्याच्यामध्ये मागे आज जमिनीमध्ये 10-15 होतात, एकाचे किती होते 10-15 होतात शेंगा. शेंगा पाहिलेत का कोणी? लोकांना कल्पना काय शेंगा झाडाला लागतात? लागत नाहीत. शेंगा जमिनीमध्ये होतात, जमिनीमध्ये, जमिनीच्या खाली, अंडरग्राउंड. नाही तर मुंबईच्या लोकांना शेंगा म्हणजे झाडाला लागतात, लागत नाहीत. कारण मुंबईच्या लोकांनी शेतच पाडली, शेंगा कमी हा. तो मूंगफली के कच्चे दाने अगर हमने किसी गमले के अंदर लगा दिए और उसको पानी डाला तो फिर क्या हो जाता है, 8 दिन बाद 10 दिन बाद उसके अंदर अंकुर उत्पन्न होते हैं और वो उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे फैलने लगती हैं. उसमें 10, 15, 20, 25, 40 इस तरह से झुपके झुपके मूंगफली एक दाने के 25 दाने हो जाते हैं. अच्छा, अब क्या आपने वो दाने लिए मूंगफली के, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर उसको भूना, भूना मूंगफली के दानों को भूना, और भूनने के बाद फिर आपने वो भुने हुए जो मूंगफली है उसको गमले के अंदर लगाया. अब क्या होगा? क्यों नहीं उगेगा? हाँ, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, वो जो है ज्ञान की अग्नि से दग्ध हो गए, उसके कर्म जल गए, अब फिर वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, फिर ऑफशूट उसके प्रेजेंट नहीं होंगे. कच्चा जो होगा बीज उसके फिर अनेक निज, एक में से एक, एक में से आता काय आता, लग्न झाला उद्या काय, मुलं झाली, मुलं झाली, मुलांची मुलं झाली, मुलांची मुलं, त्यांचं लग्न झालं, मग त्यांचा नातू झाला, मग पणतू झाला, अमुक झालं, तमुक झालं, घर झालं, डायव्होर्स झालं, शेत आलं, भांडण झालं, कोर्टात गेलं, कचेरीत गेलं, गव्हर्नमेंटमध्ये गेलं, संसार संसार. ज्ञान से जो बीज कर्म का जल गया फिर जो है उसका फिर क्या, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, भर्जित बीज की तरह जो है वो फिर ज्ञानी का जो अहंकार है वो कैसा है, वो जला हुआ है. ज्ञानी का अहंकार जो है ज्ञान की अग्नि में जला हुआ है, तो इसलिए फिर वहां पर किसी तरह के बीजारोपण की कोई संभावना नहीं होती, इसलिए उसको पंडित बोलते हैं. कौन बोलते हैं? बुधा, जो स्वयं बुद्धिमान है, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को पंडित बोलते हैं. त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित होकर सदा तृप्त है और कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ है, वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता. देखिए बड़ी अजीब बात भगवान ने यहां की, कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करके जो कर्म करता है, कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करके जो कर्म करता है और नित्य तृप्त, जो नित्य तृप्त हमेशा तृप्त है, निराश्रय किसी का आश्रय न लेने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो है कर्म में प्रवृत्त होकर भी नैव किंचित करोति सः, वो कुछ नहीं करता. इसको थोड़ा सा आज देखेंगे, आज मेरे ख्याल से ये अंतिम श्लोक, इसको यहां समाप्त करते हैं. ज्ञानी जो है जैसा मैंने आपसे कहा वो थर्मामीटर नहीं होता, वो क्या होता है, थर्मोस्टैट होता है. ज्ञानी जो है थर्मामीटर नहीं होता, वो थर्मोस्टैट होता है. अब जो है कर्माणि अभिप्रवृत्तः अपि, ज्ञानी जो है
कर्म में अभिप्रवृत्त होते हुए भी, अभिप्रवृत्त यानी क्या, अत्यंत सक्रिय होते हुए भी। महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? श्री कृष्ण की। महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? भगवान श्री कृष्ण। अभिप्रवृत्त थे वो कर्म के अंदर, किंतु उस कर्म के फल से आसक्त थे क्या? वो आसक्त नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए देखिए, कर्म के अंदर ज्ञानी भी प्रवृत्त होता है और अज्ञानी भी प्रवृत्त होता है, दोनों कर्म करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है दोनों के अंदर? डिफरेंस यह है कि ज्ञानी जो है वो तृप्त है, नित्य तृप्त है। वो कर्म इसलिए नहीं कर रहा कि उसको कुछ प्राप्त होगा उसमें से, वो कर्म इसलिए करता है क्योंकि वो कर्म उसका कर्तव्य है, इसलिए करता है। सफलता में असफलता में दोनों परिस्थितियों में वो ज्ञानी जो है सम रहता है, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले। क्यों सम कैसे रहता है? इसलिए रहता है कि उसके पास ज्ञान का यूपीएस है। लाइट चली जाए, लाइट जब चली जाती है, करंट जब चला जाता है, तो जिसके पास यूपीएस नहीं है वो परेशान हो जाता है। यूपीएस यानी क्या? यूपीएस मतलब क्या है? यूपीएस मतलब नहीं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस। घर में होता ना यूपीएस। तो जो ज्ञानी है उसके पास ज्ञान का यूपीएस है। संसार से अगर उसको असफलता भी मिले तो भी उसको पचाने की उसके पास शक्ति है, और वो संसार के ऊपर आश्रित नहीं। ऐसा है एक पाश्चात्य विद्वान ने बड़ा सुंदर कहा, संसार के ऊपर हमारा जो आश्रय है, संसार से हमारा जो संबंध है, उसके विषय में बहुत अच्छी बात उसने कही कि इफ आई गिव सपोर्ट इट इज लव। यदि मैं किसी को सहारा देता हूं, इफ आई गिव सपोर्ट इट इज लव, इफ आई सीक सपोर्ट इट इज इमोशनल अटैचमेंट। लव में, प्रेम में और आसक्ति में फर्क क्या है? देखिए कितना सुंदर का गीता का ही तत्वज्ञान बताया। प्रेम में और आसक्ति में फर्क क्या है? इफ आई गिव सपोर्ट, मैं किसी की मदद करता हूं, मैं किसी की सहायता करता हूं, मैं किसी को सपोर्ट देता हूं, तो वो क्या है? वो प्रेम है। और मैं किसी से सहायता की अपेक्षा करता हूं, सहायता की अपेक्षा करता हूं, ये आदमी रहेगा तो मैं सुखी रहूं, ये मेरे पास रहेगा तो मैं सुखी रहूं। ऐसा व्हेन आई सीक सपोर्ट इट इज अटैचमेंट। भगवान क्या कह रहे हैं? लव, प्रेम जो है वो सबके साथ बांटो, प्रेम सबके साथ करो, किंतु आसक्ति मत रखो किसी से। जैसे छड़ी होती, छड़ी आपने देखा, पुलिस वाला जो होता, पुलिस इंस्पेक्टर को देखा, पुलिस इंस्पेक्टर के पास एक छड़ी होती, वो उसके अंदर वो पीतल का ये लगा होता है, क्या एक कैप पीतल का लगा होता, और वो ऐसे बगल में पकड़ता उसको छड़ी को, देखा पुलिस ऑफिसर बगल में पकड़ के, कानून के हाथ बहुत लंबे होते बोलता, देखा देखा क्या? उसके पास एक छड़ी होती, और एक बूढ़ा आदमी जिसके घुटने जो है नी रिप्लेसमेंट को आ गए हैं, ऐसा व्यक्ति जो है उसके पास एक छड़ी, दोनों के पास छड़ी है, फर्क क्या है? नहीं, बुड्ढे के पास एक छड़ी है, पुलिस वाले के पास भी एक छड़ी है। पुलिस वाला जो है
उस छड़ी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो उसके यूनिफॉर्म का, उसके रुतबे का, उसके उसके उसका जलवा है, वो एक शोभा है, वो छड़ी पकड़ के, कानून के हाथ बहुत लंबे होते, आधे इस तरफ आधे उस तरफ बोलता, बाकी मेरे पीछे, देखा, आधे इस तरफ छड़ी होती, आधे इस तरफ आधे उस तरफ, बाकी मेरे पीछे, तो वो पुलिस वाले का रुतबा है, उसका जलवा है, वो छड़ी उसकी शोभा, छड़ी जो है उसकी शोभा है। और बुढ़ा जो है वो छड़ी के बिना चल नहीं सकता, वो छड़ी उसका सहारा है। ज्ञानी के लिए कर्म कैसे हैं, तो पुलिस वाले के हाथ की छड़ी है, वो उसकी शोभा है, उसकी लीला है, उसकी मर्जी है, उससे कुछ उसको आने, मान लीजिए पुलिस वाले के हाथ की छड़ी गिर गई, पुलिस वाला गिरता है क्या? नहीं गिरता। पुलिस वाले के हाथ की छड़ी अगर गिर गई तो पुलिस वाला नहीं गिरता, बुड्ढे के हाथ की छड़ी गिर गई तो फर्क है उसके अंदर। और कर्म फला संगम त्यक्त्वा, नित्य तृप्त है कर्म के फल की आसक्ति का त्याग, नित्य तृप्त है। अच्छा एक चीज मैं आपको पूछता हूं, एक उदाहरण है, एक भूखा आदमी भोजन बना रहा है, भूखा आदमी, उससे आपने कहा कि आज घड़ी का है पाहुणे येणार आहेत आणि अमुक अमुक पदार्थ बनवायचे, बटाटे वडे आणि काय, आता आठवण करा, दोन वाजले, आता आणखीन काय, पुरणपोळी बटाटे वडे आणि काय, असंच काहीतरी बनव, वो स्वयं भूखा है, याद रखिए, वो जो शेफ है आपका, कुक है, वो भूखा है, वो क्या करेगा, वो बनाते बनाते दो चार वड़े जो है स्वाहा कर देगा। और मान लीजिए एक शेफ है जो घर से खा पी के आया, नित्य तृप्त है, नित्य तृप्त है, वो खाएगा क्या उसमें से? देखिए आप कि घर में माताएं जब भोजन बनाती हैं, माताएं जब भोजन बनाती हैं, कोई एक हाथ आइटम बनाया, कुछ बनाया, श्रीखंड बनाया, कुछ बनाया, कुछ बनाया, अब वो आइटम बनाने के बाद घर में मेहमान, दीपावली है, दशहरा है, मैं काका ची मुला आली, मामा ची मुला आली, थे आले है आले, फलाने आले, ढिमकाने आले, 10-12 लोग जो है, अब वो बना हुआ जो पदार्थ है वो पर्याप्त नहीं है और वो समाप्त हो गया। हालांकि इस महिला को श्रीखंड बहुत पसंद है इसलिए उसने बनाया, किंतु वो 10-12 लोगों को एक एक कटोरी देने में जो है वो भोगोने को पूरा उंगली से साफ करके भी दे दिया तो भी वो बराबर हो गया, इसको ही नहीं बचा, किसको, माता को, माता को नहीं भी। वो बोलती क्या मला मिला रस ले, कभी बोली कोई माता, हाँ सगड़े उन्हें खाऊन गेले, लुच्चे सगड़े खाऊन गेले, मला काही सोडले नाही, ऐसा कभी किसी माता ने बोला है क्या? क्यों? नित्य तृप्त है, उसकी तृप्ति किसमें है, ये अन्य लोग खाएं इसमें उसकी तृप्ति है, अन्य लोग खाएं इसमें उसकी तृप्ति है, नित्य तृप्त है। और निराश्रय, निराश्रय, और ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्म में अभिप्रवृत्त भी हो तो भी भगवान कहते हैं नैव किंचित करोति सः, आध्यात्मिक दृष्टि से वो कुछ भी नहीं करता, नहीं करता, वो कर्म उसके खाते में जुड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि कर्म का जो फल की आसक्ति है उस आसक्ति का उसने त्याग कर दिया है, वो नृत्य तृप्त है, निराश्रय है, और निराश्रय होते हुए उस कर्म के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं, उस कर्म के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। पुलिस वाले के हाथ से छड़ी गिर भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि वो करते हुए भी कुछ नहीं करता। हमारा कैसा है कि हमको कर्म करने में और उसके फल को पाने में बड़ा मजा आता है,
बड़ा मजा आता। वो कहते हैं कि एक मुल्ला था, मुल्ला नसीरुद्दीन उसका नाम, उसके बारे में बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। उसके पैर का साइज था 8, 8 नंबर का, 8 नंबर का पैर का साइज था उसका। और वो मुल्ला जो है हमेशा 7 नंबर का जूता पहनता था। क्या पैर का साइज कितना? और वो 7 नंबर का पहनता था, और 7 नंबर का टाइट जूता पहन के शहर तमाम घूमता था। उसको बड़ी पीड़ा होती थी, बहुत तकलीफ होती थी उसको, बहुत तकलीफ होती थी। वो मतलब पैर लंबा और जूता छोटा पहने, तकलीफ तो होगी, बहुत तकलीफ होती थी। लोग बोलते थे तू पागल है क्या मुल्ला, पागल है तू, तेरे पैर का साइज 8 है, तू 7 नंबर का जूता पहनता और 7 नंबर का जूता पहन के शहर तमाम घूमता और पैर सब लहूलुहान हो जाता है, ये क्या तरीका है? बोला तुझे मालूम नहीं उसमें कितना मजा है, मजा है उसमें। बोला क्या? शाम में घर जाने के बाद जब मैं वो जूता उतारता हूं उस समय मुझे बड़ा आनंद होता है। ज्या वेळी मी ते बूट काढतो पाया तू त्या वेळेला मला आनंद मिळते। म्हणजे काय झाला अर्थ, मतलब क्या, समझ में आया क्या जोक आपको? हाँ, ट्यूबलाइट जली क्या? नहीं जली, नहीं जली। 8 नंबर का पैर उसमें 7 नंबर का जूता पहन के खुद ही तकलीफ उठाता है और फिर खुद ही उसको निकाल के बोलता है अब कितना आ बड़ा अच्छा लग रहा है। अतः ये कारून टाकला हो बराबर थे। वो जो प्लेजर है किसका? दुख मुक्ति का। दुख मुक्ति का जो प्लेजर है वो हमको, हम क्या करते हैं, स्वयं ही कर्म करके अपने लिए दुख उत्पन्न करते हैं और उसके बाद उसमें से निवृत्त होकर बोलते मैं उसमें से निवृत्त हुआ। समझ में आई बात? न करा लिया चलता आदमी कर देता था, अपन बसू शकतो। जर हे नसरुद्दीन चा जोक न करा ला, ज्यांना कळालं नाही त्यांनी बसा, बाकीचे लोक जा। जिनको समझ में नहीं आया वो लोग बैठिए, एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे हम और आपको प्रैक्टिकली 7 नंबर का जूता पहना के दिखाएंगे। समझ में आई बात? तो हम लोग क्या करते हैं, अज्ञानी क्या करता है कि वो कर्म के जंजाल में फंस कर जो है स्वयं ही अपने लिए पीड़ा उत्पन्न करता है और फिर उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करके कुछ हद तक थोड़ा सा सफल होके खुश होता, आहा मी हे अचीव केलं, मी हे अचीव केलं। अरे काय अचीव केलं? त्याच्यामध्ये फसायलाच नको होतंस तू। महाराज फार बरं झालं बघा, आमचा मुलगा त्याचं सगळं बरं झालं त्याचं। अरे मुलगा झालं त्याचं सगळं बरं झालं, लग्न झालं, मुंडी झाली, त्याचं सगळं अमेरिकेला गेला, आता आनंद। अरे ते पचड्यामध्ये पडलास कशाला तू? अरे पडलास का? आमच्या आईचं ऑपरेशन झालं बघा महाराज, फार बरं झालं, तिचं ते असं झालं तसं झालं, अपेंडिक्स होतं ते काढून टाकलं, आता फार बरं झालं। अरे फार बरं, ते सगळं रोग उत्पन्न करणं, ते ह्याच्यामध्ये पडणं, त्या पचड्यामध्ये पडणं, वो किसलिए करताय तू? सब कुछ कर्तव्य जितना है उतना कर, उसमें से खुश होने की क्या बात है? खुश होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। पानी के अंदर वो बॉल जैसे खेलता ना, वैसे उसके अंदर मी बुढ़तो भव सागर डोही, कल भजन में कहा ना मी बुढ़तो भव सागर डोही, तो उसके अंदर डूबने में हमको मजा आता और फिर प्रभु से प्रार्थना कर मला आयतन काढ़ा, मला आयतन काढ़ा, मला आयतन काढ़ा। यानी सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम अनात्मा, अनात्मा का आश्रय लेना ये आश्रय है और अनात्मा का आश्रय न लेना ये निराश। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक्य।